बालेश्वर धाम पर आज हमें बड़ा खेद है। दोपहर में अभी हमें शाम को पता लगा, वो नंबर निकालिए मोबाइल से, वो नंबर निकालिएगा। एक बहुत बड़ा विषय है, इसको कट करके जरूर डालिएगा, कट करके डालिएगा आप अलग से। बहुत खेद है हमें, किसी दुर्व्यवहार के व्यक्ति ने बागेश्वर धाम के नाम से इसको, आप कैमरा को जरा जूम करवाइएगा, आप नजदीक लाओ, जरा कैमरा नजदीक लाओ। और बहुत दुख है हमें इस बात का, क्योंकि हमने जीवन में 2400 घंटे निस्वार्थ भाव से एक रुपए की बिना कोई आस के सेवा की है। और एक कोई दुर्व्यवहार वाला व्यक्ति है, उसने एक कोई ग्रुप बना करके व्हाट्सएप नंबर बनाया है, ये मोबाइल पर नंबर है, और इसकी FIR तो हमने करा दी है, फिर भी आपको मैं सावधान कर दूं, जरा इसको जूम करो। इसने ये नंबर बना करके, ठीक है आ जाएगा, पूरा ले लीजिएगा, ये नंबर बना करके, नंबर है 84 62 90 30 60। और इसमें लिखा है कोई भी परेशानी हो गुरुजी से बात करें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट। और ऐसा लिख करके इसने बागेश्वर धाम भक्तों की हर परेशानी अब व्हाट्सएप पर समाधान होगा। और इसने फोटो लगा करके हमारा, और ये इसने शुरू किया, लगभग 4-5 लोगों से 10-10 हजार रुपए ले लिए। हम बड़े इससे चिंता में हैं, दोपहर से मौन धारण नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ, मौन धारण में थे, जैसे ही हमें पता लगा हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क था। और दूसरी बात, हमें जब भी दक्षिणा की जरूरत पड़ती है, भागवत कथा के माध्यम से भंडारे की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, यहाँ तक कि हम अपने खाने पीने की व्यवस्था भी भागवत की दक्षिणा से चलाते हैं, जो हमें मिलता है 2 पैसा 5 पैसा। जैसे ये कथा भी चल रही, तो इसमें लगभग 3-4 लाख रुपए खर्चा आता है, संगीत वालों का, लाइट वालों का, साउंड सर्विस वालों का, कैमरा वालों का, और ये व्यवस्था फ्लेक्स, ये सब व्यवस्था वालों का। फिर भी हमें लगता कि हमें कथा सुनानी है, दक्षिणा से हमने ना कल मोह रखा ना आज, और जब तक प्राण है तब तक हमें कोई मतलब भी नहीं। लेकिन दुख लगता है कि धाम पर हमने 2400 घंटे निःशुल्क सेवा की, और जब तक है तब तक करेंगे। लेकिन विगत 2-4 महीने से ऐसे असामाजिक तत्व प्रकट होकर के कभी कुछ सोशल मीडिया पर डालते रहते, अब बेचारों के 30-40 हजार रुपए ले लिए गरीब आदमियों के। और व्यक्तियों की निष्ठा जुड़ी है तो वो कहते कि गुरु जी होंगे, पोस्ट उन्होंने डाल दी, उसको हैक कर लेते हैं, उसको पेज को हैक करके उन्होंने डाल दी। हमें दिन से बड़ा दुख है, इस बात का दुख है कि हमने जीवन में अपने आज तक, हमें गुरुजी ने स्पष्ट कहा था तुम जीवन में सब कुछ करना, बस कभी भी धन की तरफ मत देखना, ना देखा ना प्रयास है ना हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बागेश्वर के बच्चे ही हमारे लिए बैंक खाता है, और हमारे बच्चे वो हैं। और हम वो एक ऐसे गुरु हैं जो व्यासपीठ से बोलते हैं कि हमने जब जो मुंह से कहा डायरेक्ट किसी पर नहीं कहा, बच्चे सब बैठे रहते अकेले में, जब रात को बैठते या सुबह बैठते बच्चे अपने आप सुनकर की व्यवस्था, गाड़ी सबको एक लगती है, हमारे बच्चों ने सुना कि गुरुजी को बालाजी को अलग अलग गाड़ी चाहिए, तो 40-40 लाख की गाड़ी 2-2 महीने में रख कर गए, भले ही वो किस्त चुका रहे, जब हमारे मुंह से जो निकला। अभी हॉल का निर्माण चल रहा, लगभग उसका खर्च है 150 बाई 180, और 60 कमरे बन रहे, 25 कमरे बन रहे अटैच, उन सबका मिलाकर के 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा है। लेकिन हमने एक रुपए ना किसी को मांगा ना हमें आवश्यकता, सब बच्चे जोड़ करके दे रहे हैं बागेश्वर परिवार, बच्चों का मतलब हमारा तो परिवार बागेश्वर परिवार के जो शिष्य हैं। देखो दो प्रकार के लोग जुड़े हैं, एक दरबारी लोग, एक हमारी आत्मा के लोग जो चाहते सनातन धर्म की उन्नति हो। तो हमें आज बड़ा दुख भी है कि विगत 4 महीने से कुछ असामाजिक तत्व, हमें ये भी पता वो कौन है, पर हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी की बुराई हमारे मुंह से निकले, भगवान करे उनका भला हो। अब वो एक नामचीन व्यक्ति है जिसने ये काम किया है, नामचीन व्यक्ति है, और कई बार उन्होंने ये किया है, आज तक नहीं हमने बताया ना कभी किसी का, हम बताते हैं 2-3 बार उन्होंने यहाँ लोग भेजे, लोगों को भेज करके 2-3 बार उन्होंने उपद्रव किया, हमने कुछ नहीं कहा, उनको भी हमने धन्यवाद दे करके कहा आप जाओ ठीक आए। और ये फिर से उन्होंने नया षड्यंत्र स्वांग रचा है, और ये फ्रॉडगिरी करके मोबाइल पर, कितना है नंबर, 84 नंबर बताइए, नंबर सब नोट कर लें यूट्यूब से, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बागेश्वर धाम कल भी निःशुल्क था आज
आज भी निःशुल्क है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा, ये पक्का है। दरबार भी निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, और पहला ऐसा दरबार है जहां दोनों टाइम भंडारा चलता, देश का पहला ऐसा मंदिर है निःशुल्क चलता, दरबार अर्जी मिलना रुकना, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट है। देश में बहुत मंदिर है, पर अपने बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम एक ऐसा मंदिर है। मैं प्रार्थना करना चाहूं, मेरी प्रार्थना है, साधु भंडारा है 21 तारीख को, नित्य भंडारा, नित्य महोत्सव, हमने कभी अपील नहीं की कि आप दान कीजिए, ना जब तक प्राण रहेंगे ना अपील करेंगे, क्योंकि हम पहले ऐसे कृपा पात्र बालाजी के हैं, शायद अभिमान नहीं, प्रभु के चरणों पर निष्ठा है कि हमें ना कल कमी थी, ना आज है, ना कल रहेगी, क्योंकि ना कुछ चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए वो भगवान दे देते, भंडारा हनुमान जी खुद करवा रहे, भक्त खुद पा रहे। और दूसरी बात, जितने ये हैं आज हमने उनके लिए जवाब कथा में ही दिया, सूकर का हमने उनको जवाब दिया, ये सब सुअर के वो हैं। माताजी जब बच्चे के गंदगी लग जाती है तो माता हाथ से मल साफ करती है बेटे का, और निंदा करने वाले, धाम पर उंगली उठाने वाले, इस प्रकार का कृत्य करने वाले सुअर की भांति हैं, और वो जीभ से सफाई करते हैं। आपने ये काम करके हमें शिक्षा दे दी, हम बहुत जल्दी ही अब इन सबको वेरीफाई करवाएंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ही बंद करवाएंगे, फेसबुक पेज, फेसबुक, और जरूरत लगने पर यूट्यूब भी बंद करवाएंगे, जिनको जरूरत होगी धाम पर डायरेक्ट आके मिलें। दूसरी बात, धाम का कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक ही नंबर है 8120592371, 8120592371, 2008 से हमारे नाम पर है और आज भी है और हमेशा रहेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। हम मोबाइल कल भी नहीं चलाते थे, आज भी नहीं, फोन से कोई बात करवा दे बिल्कुल कर ली, मोबाइल एक रखा हुआ है जिसमें माताजी से चर्चा है, मोबाइल है माताजी से चर्चा, कभी कभी पिताजी या घर का कोई संबंध का कोई विषय आता है, या गुरुजी से चर्चा या महापुरुषों से चर्चा होती उसका उपयोग करते, बाकी टाइम ही नहीं, समय नहीं, भजन में पूजन में हमें तो ये झंझट भी लगता है, तो ना कभी कल मोबाइल का उपयोग था, ना आज है, ना कल रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि हमने कभी मोबाइल से ना यहाँ से कोई जानकारी दी जाती, ये जो जूम ऐप पे कथा के लिए नंबर है 99 77 96 36 24 99 77 96 36 24, ये नंबर सिर्फ कथा जानकारी के लिए है, और ये नंबर आश्रम के दूसरे कार्यालय का है जहाँ से कथाएं और कथाओं की जानकारी दी जाती, जैसे आगामी 178 है, और इस कथा के द्वारा हमारा ध्येय है आप सब सनातन से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। कथा करने का मतलब ये नहीं, हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो सत्संग सुनाना है, गांव में सुनाते हैं हम तो, रोज अपने दरबार में सुनाते हैं माइक लगा के, बस जूम ऐप के माध्यम से इतना है कि ये सब जजमान बन जाते हैं, और हम सबको नहीं कहते, जजमान वही बनता जो बागेश्वर का कृपा पात्र होता है, बाकी क्षमता नहीं किसी की कि आप हमें दक्षिणा दे करके बागेश्वर धाम की कथा के जजमान बन जाओ, आवश्यकता भी नहीं, नो वेलकम, ना तुम्हारी जरूरत है। और ना रही बात कथा की, आप कथा सुनो, करवाओ ना करवाओ, हमारी कथा, हमारा दरबार, हमारी व्यासपीठ, हमारे बप्पा जू बाप, हमें सुनाओ ना तुम का कर ले हो सीताराम, हमारे हनुमान जी, हमारी व्यासपीठ, हमारी कथा, हमारे हनुमान जी सुन रहे, तो बाकी हमारा बागेश्वर परिवार लगभग पूरे देश और विदेश में जुड़ा हुआ है, वो सब सावधान रहे, जूम ऐप वाले भी इस जानकारी को सब तक भेज दें, आप सब जान गए होंगे फ्रॉडगिरी करेंगे, इसलिए हमारी प्रार्थना है, क्योंकि आप सब अभिन्न अंग जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, हमारी ये प्रार्थना है। हम आपको पिछली बार भी ये चीज बोली थी, आज दोबारा जब ये घटना हो गई तो हम बार 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 बोल रहे हैं आपसे, हमारी एक और प्रार्थना है कि कृपया करके बागेश्वर परिवार के जितने बच्चे हैं इस जानकारी को सजग करें सबको, और मन में हमारे खेद है, और जरूरत लगने पर हम ये सब चीज़ें बंद भी करेंगे, आवश्यकता लगने पर। वैसे ऐसा है कि रण से छोड़कर भागना नहीं चाहिए, ये तो आते ही रहते हैं, भागना अनुचित है, बंद करना अनुचित है, फेसबुक आदि ये जो भी है या सोशल मीडिया का चलाते ये सब बच्चे हैं, पर मन में है कि अगर लगेगा इन सबको कम करेंगे, और यूट्यूब चैनल पर सिर्फ हमारा ध्येय है कि जो लोग बेचारे जानकारियां नहीं पहुंच पाती उन, ना तो हमें प्रचार चाहिए, ना हमें दरबार चाहिए, ना नाम चाहिए, हम अपनी सेवा करते थे करते हैं।
हैं, करते रहेंगे। कल भी सेवा कर रहे थे यहाँ, प्रतिदिन 500-1000 लोग रोज आते, कहीं कैंसर वाले, कहीं कुछ, रोज बेचारे रोते आते। हमें उनकी सेवा करनी है, हमें तुम्हारे से मतलब ही नहीं भैया, कोई मतलब नहीं। लेकिन आज हमारे हृदय को, और बस बागेश्वर परिवार हमारा प्रसन्न रहे, इसलिए हर बार अनुष्ठान करते हैं, कहीं यज्ञ, कहीं कथा, कहीं भक्तमाल चरित, ताकि हमारा पूरा बागेश्वर परिवार पूरे देश में फैलाए। हमारे परिवार माता पिता नहीं, हमारा परिवार हमारा अपना बागेश्वर धाम, जो यजमान कथा बने सुन रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हमसे कई दिनों, कई सालों से धाम से जुड़े, हमसे नहीं मिल पाए, फिर भी कई लोग, हमने बताया ना विगत यज्ञ में 2.5 लाख रुपए किसी ने गुप्त दान में भेजे थे, पता ही नहीं था, बैग देकर गए थे। ऐसे ऐसे महापुरुष, केवल रुपया नहीं, कई काम। अभी बीच में अन्नपूर्णा में लॉकडाउन के कारण दक्षिणा की दिक्कत आई थी पिछले वाले में, और सत्य घटना बता रहे हैं 2 मिनट में। हम सोचने लगे कि क्या किया जाए, उस वक्त दुकानें बंद थी, सब आ नहीं रहा था सामान, तो ऐसी स्थिति होती है। चूंकि यहाँ अत्यधिक खर्च है, कहीं गरीब कन्या की शादी, कहीं कुछ लगा, मंदिर की सेवा लगी है, भंडारा भी चल, तो ऐसी दिक्कत बनी। हमारा स्वभाव है, हम बोलते नहीं किसी को, अपने शिष्य को भी नहीं बोलते, परिकर को भी नहीं बोलते कि हमें ये आवश्यकता है, स्वभाव में है। तो मन में विचार भर किया, रात को कोई आया एक उसमें छोटा हाथी में, 10 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल शक्कर, 3 क्विंटल आटा, दाल की 2-3 बोरी और मसाले की बोरियां रख के चला गया। 2 बजे के लगभग की बात, कैमरा भर में रिकॉर्ड है, ना नाम लिखवाया, ना पता लिखवाया, ना जाने कहाँ गया। हमारे तो साक्षात हनुमान जी देकर के चले जाते हैं, अन्नपूर्णा माता खुद व्यवस्था कर देती है, अब हमें क्या जरूरत है। तो हम तो कहते हैं कि सब भरपूर है, और ये फ्रॉडों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, इससे धर्म बदनाम होता है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी मिसाल तैयार हो देश में कि एक धाम ऐसा भी है जहां लिया नहीं दिया जाता है, आशीर्वाद भी, भभूति भी, कृपा भी, प्रेम भी, और जरूरत पड़ने पर भजन भी और भोजन भी दोनों टाइम, और गरीब कन्या का विवाह भी। ऐसी महिमा धाम की वर्तमान में है, पर ये जन जन तक व्याप्त हो, यही हमारा विचार है। और जब तक प्रण है हम अपना प्रयास करेंगे, परिवार का भी प्रयास है। वाणी को आज की विराम, ये सूचना ये कट करके आप जरूर